आज के दौर में हम बात करेंगे Realme X7 Max 5G जो डिवाइस है, इस डिवाइस के लिए फाइनली Realme 4.0 का जो अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म है उसको यहाँ पर लाइव कर दिया गया है। तो आपका डिवाइस किस अपडेट वर्जन पर अपडेटेड होना चाहिए, तो आपको आपके डिवाइस में ये अपडेट देखने को मिलेगा कि नहीं, उसको इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, उसको मिस करना चाहिए। आप फॉर्म तो अप्लाई कर लो कि फिर आपको अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं Realme X7 Max 5G डिवाइस के Realme 4.0 अर्ली एक्सेस के बारे में बात करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में आना है। सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको लास्ट में अपडेट वर्जन चेक करना है। अगर आपका डिवाइस C.15 या फिर C.16 अपडेट पर अपडेट है तो आपको आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 13 और Realme 4.0 का जो अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस फॉर्म को किन्हें उसको अप्लाई करना चाहिए और किन्हें उसको मिस करना चाहिए। तो यह एक बीटा अपडेट होगा, इस अपडेट के साथ में आपको बैटरी डाउन इशूज, लैगिंग इशूज, नेटवर्क इशूज, हीटिंग इशूज एंड पर और भी छोटे मोटे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो आप इस अपडेट को अपडेट मत करिएगा, आप ऑफिशियल अपडेट का वेट कर लेना। अब अगर उन यूज़ के बारे में बात करें कि जो यूज़ अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करते हैं और टेस्ट के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगा। आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में आना है। सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर क्लिक करोगे, राइट ऑफ सेटिंग आइकन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आपको ट्रायल वर्जन होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको अर्ली एक्सेस देखने को मिलेगा। अर्ली एक्सेस पर आप टैप करोगे तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म होगा जहाँ पर आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से उस फॉर्म को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका फॉर्म एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाएगा, फिर आपका फॉर्म अंडर रिव्यू में चले जाएगा। अंडर रिव्यू से आपका फॉर्म अप्रूव्ड या फिर पास्ड होगा, जो कि यहाँ पर आज या फिर कल में हो जाएगा। अप्रूव्ड या फिर पास्ड होने के बाद आपके डिवाइस के सॉफ्टवेयर के सेक्शन में Realme 4.0 का बीटा अपडेट देखने को मिलेगा, जिसकी साइज आपको 5.5 से 6.5 GB के आसपास देखने को मिल सकती है। और आपको जब अपडेट देखने को मिलेगा और उस अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका डिवाइस 60% + 4G होना चाहिए और डिवाइस के इंटरनल स्टोरेज 10 GB की फ्री स्पेस होना चाहिए, तभी आप अपने डिवाइस में उस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर इस छोटी वीडियो में यही था, अगर छोटी वीडियो को लाइक कर देना। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं टेलीग्राम आपको ज्वाइन हो जाना है। टिल दैट टाइम तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।